गिफ्ट, ओह माय गॉड। ये देखिए लेवेंडर, लेवेंडर। जल्दी बोलो क्या। बुना हुआ जीरा रह गया माते। हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश, जय नमः। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे मैंने कल अपना व्लॉग छोड़ा था। रंग वाली होली का व्लॉग है, यानी कि प्रिशा के बर्थडे का व्लॉग है। 25th of March का व्लॉग है। कुछ लोगों को लेट लग सकता है, लेकिन डोंट वरी, अब व्लॉग बिल्कुल रिसेंट आएंगे। ये उसका बर्थडे व्लॉग है, तो आप एंजॉय कीजिएगा। ये रही हमारी बर्थडे गर्ल, हैप्पी ब्लेटी, और इसको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच आपकी प्यारे प्यारे विशेस के लिए। वो मैं बड़ा वीडियो अभी नहीं बना रही हूँ, वो मैं बाद में नहा के आके अच्छे से तैयार होके बोलूंगी। मैंने सोचा था हाँ निकल जाएगा, पक्के नहीं। मैंने सोचा था मैं खेलने नहीं जाऊंगी, बट आई एम अ धुलेटी फैन। धुलेटी इज माई वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल्स, तो मुझे सबको देख के पिछले एक महीने से बोल रही थी कि मैं होली नहीं खेलूंगी बर्थडे के दिन। बट नीचे मैं गई और मम्मी ने बोला एक क्लिपिंग शूट करके ले आ, तो फिर मेरे को देख के सबको हो गया मेरे को भी खेलना है, तो मैं चली गई और मैंने खेल लिया। मैं पूरी गीली हूँ और अब मैं नहाने जा रही हूँ। अब मैं तैयार हो जाऊंगी सुंदर सुंदर नहाने के बाद। ये निकलेगा तो ना, इसे घिस जा रहा, निकलेगा पक्का, निकल जाएगा। आज इसका बर्थडे है, ये 19 साल की हो गई है। ये 19 साल पहले मेरे लाइफ में आई थी, मेरा खून पीने, खून चूसने। और मैं मुंबई से ना बस एक ही दिन पहले आई थी ना, इसने इतना डरा के मुंबई भेजा था, अगर आप मेरे बर्थडे से पहले नहीं आई कई काम से कि मैं इसको दे दूं, क्योंकि इसमें इसकी ऐसी चीजें हैं जो ये पहन भी सकती है, और कुछ के बारे में तो उसको शायद पता भी होगा, क्योंकि जब आई थी ना तो ये ऐसे देख रही थी, मैंने नहीं कहा था ये तेरे लिए। और ये नहा ली और देखो लकीली इसका कलर निकल गया। इसको यही बहुत टेंशन थी, इसलिए होली खेलने जाने मना कर रही थी, मम्मी मेरा कलर नहीं निकला तो मेरी बर्थडे खराब हो जाएगी, बट निकल गया है, बिल्कुल निकल गया। प्रिशा ये तो निकल गया। हाँ, मैंने ना इसको हल्का सा ऑयल लगवा के भेजा था, कोकोनट ऑयल, और बालों में भी लगा दिया था। हाँ। होली से पहले ऐसा प्री प्रेप होते हैं जो करने चाहिए, होली प्रेप। हैप्पी बर्थडे बाबू, थैंक यू। निकालो सारे गिफ्ट, ओह माय गॉड, क्या क्या इनमें, इतने सारे कौन देता है, बिगाड़ रही हो बच्ची को। बिगाड़ नहीं रही हूं मैं, यू डिजर्व दिस। ओके, ये इसके सब गिफ्ट्स हैं जो अभी पैकिंग करवा के लाया था। कब गया? अभी गया था, मैंने भेजा था। मेरे अवि और विवेक की साइड से इसके गिफ्ट्स हैं। चलिए मैडम, ये क्या है? कैसा है? बहुत प्रिटी है ये। लाइक इट? बहुत ज्यादा, मुझे इसे चाहिए था। मैं आपको बहुत टाइम से बोल रही थी, मुझे क्यूट सा छोटा सा ऐसा बैग चाहिए। इसको मैंने आज लेना, इसे हाँ आज के लिए खरीदा है ये। हैंड मतलब क्या बोलते हैं, गर्लिश टाइप है। मुझे डर लग रहा था पसंद आएगा कि नहीं आएगा, पसंद आ गया बेटा सच्ची में। हाँ पसंद आया, ये सच्ची में आया। ये इसका इसका हैंडबैग, ये इसका सेकंड गिफ्ट। अभी पहन के दिखा, चल अभी पहन ले। ये वाली रात को पहनूंगी। और हाँ, ये जो इसने टी शर्ट पहनी हुई है ना, ये भी इसकी गिफ्ट है। ये H&M की टी शर्ट है। मम्मी मुझे व्हाइट कलर का टी शर्ट चाहिए। वाओ, बहुत प्यारी लग रही है टी शर्ट, दिखाओ। एक दो तीन छह ब्रेसलेट है इसमें, और ये वाले मैं रात को पहनूंगी, ये बहुत प्रिटी है। इनमें से एक पहन लेती हूँ, दिस वन दिखा। ये सारे पहन लेना, सारे पहन ले, सारे नहीं रात को पहनूंगी। क्या है ये टी शर्ट? बहुत अच्छी लग रही है तुम पे, दिखा रहे। ऐसा तो आया था ना सेम मीशो का। हाँ वो मीशो का भी आया था, लेकिन ये अब इसके अंदर आया, मुझे क्या पता था, मैंने खोल के नहीं देखा, बस एक बार इसको वेबसाइट पे देख के पसंद कर लिया था। इसको ना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसे ब्रेसलेट वगैरह शी लव्स टू वेयर। और ये गले का है, बेबस खत्म हो रहे थे एक्सेसरीज। थैंक यू, लव यू। ये दिखाओ तो सही, ये क्या क्या है? हाँ सो ये एक दो तीन चार पाँच छः ब्रेसलेट्स हैं, देन दीज आर नाइन ईयर रिंग्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ये क्या है, ये गले का है? मैं भूल गई, दिस इज गले का। शाम को पहनना ये सारी चीज़ें, सारी तो नहीं पहन पाओगी, धीरे धीरे पहन पाओगी। बहुत सूट कर रही है तुम पे वाइट टी शर्ट। देखो ये रहा गाइस, सेम टू सेम मीशो वाला। वाह, अब दो सेट सेम टू सेम हो गए, एक मैं अभी यूज करूंगी और दूसरा ये खत्म हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे गलती। अभी को बुलाने कब जाएगी नीचे, होली में पूरा काला पीला होगा। अभी सारे अनबॉक्स कर लूं, फिर चॉकलेट्स लेके जाऊंगी, सबको चॉकलेट्स दूंगी। ये पार्ट दो पार्ट में आएगा बर्थडे, क्योंकि बर्थ गिफ्ट दिखा रही हूं, इतना लंबा हो जाएगा ये गिफ्ट दिखाने में।
दो लिपस्टिक है, बाद में देख लेना कलर, एक न्यूड कलर है, एक पिंकिश कलर है, और नेल पेंट दिखा दो पर। आप पिंकिश खुद के लिए मंगाया होगा मेरे को देने के बहाने, ये ऑलमोस्ट ये मैं आज लगाऊंगी ये वाला। हाँ माई ग्लैम के है ये, यस एंड लेट्स सी। एक ये पिंकिश मम्मा ने मेरे को गिफ्ट करके खुद लेने का सोचा है, एंड दूसरा देखते हैं अब, दूसरा भी खुद के लिए, हाँ दूसरा मेरे लिए। चलिए ये मैं शाम को लगाने की कोशिश करूंगी, ये मुझे ज्यादा ना ऑरेंज ब्राउन लग रहा है, बट लेट्स सी। मैंने एकदम ऐसे न्यूड ब्राउन्स लगाए। आज भगवान जी ने ना तेरी सुन ली, इसे इतना डर लग रहा था, कह रही मम्मी कलर नहीं निकला तो मेरी बर्थडे खराब हो जाएगी। आज मैं 4:30 बजे मंदिर जाऊंगी और मैं शूट करूंगी। अच्छा ठीक है, और मैंने ना दही बड़े तैयार कर दिए हैं, मम्मी ने ग्रीन चटनी बनाई है, मम्मी ने इमली की चटनी बनाई है, और मैंने ज्वेलरी होगी इसमें, बॉक्स से ही पता चल रहा है मेरे को तो। तेरे साथ ही हो मंडिया दे, मम्मी की फ्रेंड की देवती का जन्मदिन भी तभी है ऋषा के साथ। ओ वाह वाह वाह, चलो पर्ल मैच हो रहा है। वो साइड पे क्या है, टेसल्स है ना? यस चार्म्स। मैंने ये सब आए हुए ना एक्चुअली 10-15 दिन हो गए हैं सारी चीजें, क्योंकि मार्च का 2nd या 3rd डेट थी, तब से मैंने सब इसके लिए ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। मेरे को पता नहीं आजकल बहुत ऑब्सेशन हो गया पर्ल्स से, मुझे भी पर्ल्स लुक सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। एक मुझे मैंने मम्मी को भी दिखाया था, एक पर्ल्स का नेकलेस भी था और एक वो भी था पर्ल्स छोटा था। चलो जल्दी जल्दी अनबॉक्स करो, मुझे लेट हो रहा है, मुझे नहाने जाना है। मम्मी बहुत ब्यूटी है। कैसा है? दीज आर वेरी ब्यूटी। ये मैं रात को पहनने वाली हूँ। क्या क्या पहनेगी रात को? मिलेंगी क्या इतना हैवी? खोल के देखो, अभी ने इसको एक कार्ड बना के डोंट टेल मी। अभी बोली ना तू कि पर्ल से ऑब्सेशन हो गया है, ये एक्चुअली तूने देखा होगा अब ये मेरे, अच्छा तूने वीडियो नहीं देखा अभी। हाँ ये ना आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है गाइस, और मुझे ये लेना था, लाइक मुझे सीरियसली अंदर से इच्छा हुई थी मेरे को भी ऐसा पर्ल्स का एक छोटा सा बैग लेना है, बिकॉज ये पिंटरेस्ट पे हर जगह यही चल रहा है आजकल। ये मीशो की बाय है, और ये मैं वीडियो में शायद दिखा भी चुकी हूँ, बट तूने शायद वीडियोज नहीं देखे। ये क्या अपने पढ़ाई में बिजी रहती है, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, जो भी चीज आ रही थी ना इसके बर्थडे वाली, मैं फटाफट वो रखे जा रही थी। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये कोलैब का आया हुआ है, बाकी सारी चीजें मैंने बाय करी हैं खुद जितने भी गिफ्ट्स हैं, बट ये कोलैब का आया हुआ है। अब कपड़े, ये 3 कपड़े पता ही चल रहा है, लेट्स सी क्या है। चलो चलो देखो देखो, मेरे बाबू की 19th बर्थडे है, तो शायद 19 ही गिफ्ट होंगे। न्यू कलर है, नहीं खोलो खोलो ड्रेस। हाँ इसमें से तुम चॉइस कर लेना तुमको कौन सी पहननी है, सब तुम्हारे साइज की है। रुचिना लाइक इट इसके साथ, ये कितना प्रिटी लगेगा। वाओ वेरी नाइस, या ये भी कितना प्रिटी लगेगा। चल इतरा मत ये बहुत क्यूट है, दिस इज वेरी वेरी क्यूट, दोनों बहुत क्यूट है, पर्ल वाला ही बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया लग गया था, लाइक जब एक दो बार पार्सल्स मेरे सामने आए, मैं क्या कॉलेज में होती हूँ ना, तो मम्मी छुपा सकती है बहुत अच्छे से पार्सल्स, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि हाँ मिल रही है, क्योंकि मैं देखने जा रही थी जिस दिन आया था मेरे सामने, तो मम्मी कहती नहीं तुझे नहीं देखना है। तेरे पे व्हाइट टी शर्ट इतनी अच्छी लग रही है ना, मेरा ऐसा मन कर रहा है मैं सेम मंगा लूँ मेरे लिए, कुछ ज्यादा ही, मतलब कहते हैं ना वो ब्रांड पता ही चलता है कैसा लगा। फ्लोरल तू कह रही थी ना गर्मियों में फ्लोरल चाहिए, ये भी ड्रेस है। खोलो देखो कैसी लग रही है, मेरी नेक्स्ट अपकमिंग ट्रिप के लिए मम्मा ने अच्छा कलेक्शन अभी से ही बनाना शुरू कर दिया है। हाउ इट इज, वाओ ये प्रिटी है, बहुत फ्रिल्स वाली, लाइक इट, आई लव फ्रिल्स, ये मेरे को आ जाएगी, आ जाएगी आ जाएगी, पीछे से स्ट्रेचेबल है, पीछे इलास्टिक है बेबी, पीछे इलास्टिक है, इलास्टिक है, आ ही जाएगी, बहुत वेस्ट पे तो आ जाएगी, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, नहीं तो एक साइज बड़ा मंगा दूंगी। यस वेरी प्रिटी, बहुत प्रिटी है, मेरे को ना फ्लोर, If you know me, I love nudes, florals. यार अब मैं कौन सी पहनूं? Your favorite color. इसको ना लेवेंडर बहुत पसंद है, और इसने मुझे खाली एक दिन ऐसे बोला था फेब्रुअरी में कि मम्मी मेरी इच्छा है कि मैं बर्थडे पे लेवेंडर पहनूं। हाँ केक आ गया इसका, सुबह सुबह ही आ गया, उसका रीजन है क्योंकि आज धुलेटी है, मतलब रंग वाली होली है ना, तो जो भैया है वो बेकरी बंद करने वाले थे, तो उन्होंने कहा था सुबह ही ले जाना,
कि उसी बाद मेरे लिए उन्होंने बेकरी खोल के रखी थी, तेरे लिए खोली थी। तो वो लेवेंडर कलर का ही केक बनवाया था हमने, इसको लेवेंडर पसंद है ना, इसलिए हमने लेवेंडर कलर का केक, और इसको पता नहीं था, इसको सरप्राइजिंगली मैं पहन रही हूँ आज। इसने याद है तूने कब बोला था मुझे, फरवरी में बोला था ना कि मुझे लेवेंडर कलर की ड्रेस चाहिए बर्थडे के लिए। और मैंने ना लास्ट ईयर मैंने कम से कम नहीं तो 2 से 3 दिन लगाए इस ड्रेस को ढूंढने में ऑनलाइन, और ये मुझे मिल गई। लास्ट ईयर भी मेरे को लेवेंडर ड्रेस चाहिए थी, बट लेवेंडर ड्रेस नहीं मिली थी तो आपको याद होगा, तो मैंने लेवेंडर कलर का टॉप पहना था, वो मैं पहन के एग्जाम के लिए गई थी। सो ड्रेस फाइनली लेवेंडर कलर की मिल गई है और मैं ये रात को पहनने वाली हूँ। वाओ, अब कलर भी इसका जो केक का कलर है वो भी लेवेंडर है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। सुंदर है गाइस, मैंने वो भैया को पिंटरेस्ट दिखाया था, पिंटरेस्ट से मैंने केक के ऑप्शन निकाल के रखे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बना दूंगा। वैसे उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया था हमने, फोटो वैसा ही बना दिया। तो इतने सारे गिफ्ट है गाइस, चलो जल्दी और पूरे करो। खत्म बम, नहीं एक रह गया, वो मैं पैक कराने से रह गई थी क्योंकि तुम्हारा साइज चेक करवाना पड़ा था। वो रहा ना, तुमने साइज चेक किया था ना, वो अंदर रखा है लेके आओ। हाँ, वेलीज वेलीज। एक फुटवेयर और दिया है मैंने इसको, वो एक्चुअली साइज चेक करवाना पड़ता है ना फुटवेयर का, कपड़ों का तो मुझे आइडिया है, तो वो चेक करवाया ना इसलिए वो पैकिंग नहीं करवा पाई मैं, इसने पहले ही देख लिया। ये ज्यादातर फ्लैट्स पहनती है तो इसके लिए मैंने फ्लैट ही मंगवाई। बिकॉज़ मैं ऑलरेडी बहुत हाइटेड हूं, मैं अगर हील्स पहनती हूं तो मैं 6 फुट की दिखती हूं। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स सेट। और ये मेरे को एग्जैक्ट साइज में आ गई है, और ये इतनी प्रिटी है गाइस। पहन के दिखा, पहन के दिखा देना, शाम को पहनेगी। मैंने अभी टोनेल्स पे वो नहीं किया है पेंट, बहुत प्रिटी लग रहा है। चलिए, हमारी बर्थडे गर्ल के सारे गिफ्ट आपने देख लिए, कोई दिखावा नहीं है, लोग कह देंगे दिखावा कर रहे हैं, दिखावा नहीं है, हर खुशी। आजकल तो लोग ना ऐसे सब वीडियोस देखते हैं, मैं खुद ऐसे मतलब बैठ के देखती रहती हूँ अनबॉक्सिंग में बर्थडे। इंसान अपनी खुशी शेयर करता है ना कि भाई हमने अपनी बच्ची को इतना दिया, और बच्ची शेयर करती है कि हाँ मेरे मॉम डैड ने, और आप भी जानना चाहोगे ना हमने क्या गिफ्ट दिए हैं। चलो अब मैं बंद कर रही हूँ कैमरा, बहुत काम है, मेरे दही बड़े बन गए हैं, बस जरा सा जीरा भूनना बाकी है, वो भी कर लेती हूँ। अभी जल्दी यहाँ देख, दिखा। सिल्वर लाल पीला हो रखा है, एंड होप सो कि इसके ऊपर से कलर निकल जाए, जो मुझे लग नहीं रहा है, ये ऐसा लग रहा है स्नेक की, स्नेक का गला। साथ दिखा भी हमको। अच्छा सच्ची तेरे जैसा नहीं, तेरे जैसा। और ये पहन लिए प्रिशा ने जो मैंने इयररिंग दिए ना, उसमें से एक जोड़ी पर्ल वाले, कैसे लग रहे हैं बताना आप। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज खेलने वाली होली है, 25 तारीख है, 25th of March, आज प्रिशा का बर्थडे है, मेरी बेटी 19 साल की आज हो गई है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी दुआएं चाहिए, आपके आशीर्वाद और आपकी दुआओं के बिना हम लोग तो कुछ भी नहीं है, ये बात सच है। सुबह से सब काम निपटाते ये टाइम हो गया है, आज के दिन तो लेट ही नहाया जाता है क्योंकि डर था कि कोई कलर ना लगा दे आके, लेकिन लास्ट ईयर मेरे भाई की डेथ हुई थी इसलिए मम्मी ने और मैंने बिल्कुल भी कलर नहीं लगाया है, और वैसे भी मैं तो खेलती नहीं हूँ, मम्मी ने भी कुछ नहीं किया, हमने एक दूसरे को थोड़ा सा गुलाल भी इस बार नहीं लगाया। भैया की बहुत याद आई मम्मी को, और आप सोचोगे मम्मी इस टाइम पे वापस क्यों नहीं गई, वहाँ कुछ हो कोई विधि करनी होगी, तो नहीं, सारा तर्पण वगैरह जो करना था वो उन लोगों ने कर दिया था, अभी कुछ भी होना बाकी नहीं था। तो आज दो दो चीज़ें एक साथ हैं, होली और बेटी का बर्थडे, और हिंदी के हिसाब से भी प्रिशा का बर्थडे कल था। हिंदी के हिसाब से प्रिशा होलिका दहन वाले दिन बॉर्न हुई थी, यानी कि जिस दिन होलिका दहन हुआ था। दही बड़े तैयार हैं किचन में, बना दिए मैंने, मैंने तले मतलब वड़े मैंने बनाए हैं टोटली, रात को भिगोया भी मैंने था, आपने देखा होगा, पीसा भी मैंने सुबह में, और वड़े पूरे मैंने बनाए हैं। मम्मी ने इमली की चटनी, इस बार मम्मी थी तो मम्मी ने बनाई, बाकी हर बार तो मैं बनाती हूँ, ग्रीन चटनी भी मम्मी ने बनाई है, और अभी का कलर निकल गया ऐसे बोल रहा है। तैयार हो जा बेटा, अभी विवेक आएंगे शॉप से, तो आज हमारा प्लान है दही बड़े खाने का, बस होली के दिन हम यही खाते हैं। और रोटियाँ बनवाई हैं मैंने, मीनाक्षी आई थी, और सब्जी कल की रखी हुई है, और इदड़ा रस, वो क्यों है वो आपको याद ही होगा, प्रिशा हर बर्थडे पे इदड़ा और रस खाती है। रस मैंने फ्रीज किया हुआ था, गर्मियों में जब आम आते हैं तब आम रस को फ्रीज कर दिया था, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लगता है, तो रस और इदड़ा उसका फेवरेट है, हर साल उसके बर्थडे पे रस इदड़ा होता है, आपको याद हो तो वो तो होना ही था, और साथ में दही बड़े हैं। बस यही आज का हमारा लंच है, और शाम को जाएंगे कहीं बाहर खाना खाने के लिए, बेटी का बर्थडे है। और ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है, भगवान ने जो गिफ्ट मुझे प्रिशा के रूप में दिया है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। ओ अच्छा अच्छा, ये भी लेवेंडर, और बॉडी ड्रेस भी लेवेंडर, मेरा केक बहुत सीधी है, इस पे लिखा हुआ है एंजल, एक मिनट, गोल्ड फॉइल लगाई है, ये देखिए लेवेंडर लेवेंडर। वाओ मम्मी, फ्लैश वन करने की कलर जस्टिस नहीं कर रहा कैमरा, लेकिन ये कलर बहुत प्रिटी है रियल लाइफ में, एंड बहुत प्रिटी केक। और मैं ये केक देख के अर्जुन भैया को बोली, आपने बहुत अच्छा केक बनाया। तो जो नवसारी में रहता है, मैं बता दूँ ये केक हमने बनाया पेस्ट्री शॉप से, पेस्ट्री शॉप में
दो काउंटर्स है, एक खाने का और एक केक्स का, तो आप वहाँ से बनवा सकते हो। वहाँ के केक्स बहुत अमेजिंग है एंड मेरा फेवरेट फ्लेवर फ्रूट केक है ये। सो मेरा भी फेवरेट फ्रूट ही है और ये सबसे प्यारा फ्रूट और टेस्टी फ्रूट है मेरे लाइफ का। चलिए तो अब विवेक का आने का टाइम हो गया है। इतना तेल थोड़ी खाता है, थोड़ा सा ज्यादा। ये रहा इसका फेवरेट फूड जो ये हर बर्थडे पे खाती है और इसको ये खाती है रस के साथ। रस कहाँ पे? फ्रीजर में, फ्रीजर में ठंडा होने लगा। ये रही हमारी इमली की चटनी, होली और बर्थडे दोनों का खाना एक साथ। ये रहे वड़े, थोड़े बचा दिए मैंने, ज्यादा बन गए थे ना, फिर बाद में इनको पानी में डाल के खाएंगे। बचा हुआ तेल है वड़ों का। और ये रहे हमारे वड़े, शान से पानी में पड़े हुए हैं। अब इनको निचोड़ूंगी मैं और फिर डिशेस लगाएंगे। और ये देखो बर्थडे के दिन काम कर रहा है, अपना फेवरेट चीज में तड़का लगा रहा है ये ना ऐसे ना। हाँ इतना ठीक है, नहीं थोड़ा और चाहिए वैसे, लेकिन चलेगा, ज्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए। ये है ना हीरा ऑयल, हीरा तो उसमें से ले लेते हैं। कंची लाओ, ये जो होता है ना ये ऐसे जैसे इडली का बैटर होता है ना उसी का बस बनता है। और इसको फिर बाद में ना तड़का लगाते हैं राई और कड़ी पत्ते से, और फिर ये रस के साथ, यहाँ बहुत फेमस है गुजरात में, गुजराती लोग इसको रस के साथ खाते हैं। और यहाँ है रस, देखो अभी और भी पैकेट्स हैं रस के बचे हुए, और भी पैकेट पड़े हुए हैं। ये हमने आज के लिए निकाला है, ये हमने मई मंथ में इसको ये करा था, स्टोर करा था, अभी भी वही सेम टेस्ट है। ऐसे फ्रीजर में स्टोर कर दो ना तो परफेक्ट रहता है, कुछ नहीं होता। इसको खाएंगे हम इधर के साथ। माते ने अभी अभी स्टेटस रखा है, प्रिशा का लड़ रही थी नानी से, नानी आपने स्टेटस नहीं रखा व्हाट्सएप पे मेरा बर्थडे का तो मम्मी ने स्टेटस रखा है। आप लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद मुझे कम्युनिटी पे ऑलरेडी उसके बर्थडे के दिन मिल चुका है, बट फिर से आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो बस अपना आशीर्वाद रखिएगा। इस बच्ची को मैंने बहुत नाजों से पाला है, बहुत डिफिकल्टीज भी रही है मेरे जीवन में जब इसको मैंने बड़ा किया है, वो आप सबको पता है, कभी बैठ के बताऊंगी। ओह माय गॉड, सिल्वर गाले सिल्वर, ये अभी है दिखाना। अरे बाप रे, मैं नहाने गई थी जब ये आया, ऐसा लग रहा। हाँ दिखा ना सबका, ये लोग दोनों गए थे होली खेलने, हमने नहीं खेली है। मेरे फेस पे तो ज्यादा मैंने कलर लगने ही नहीं दिया, ये देखो सबकी हालत। ये सारे फ्रेंड्स जो ये लोग नीचे खेल रहे थे ना। हाँ। ये अभी देखो साइड पे, वैसे अच्छा, ये नित्या बीच में सही है, खूब होली खेलिए। दिखाइयो तेरा कलर निकल गया, दिखाइयो जरा तेरा मुंह देखो मैं। ए हाँ काफी नहीं किसका, हाँ इसने दिखा दिया ना कि व्लॉग में आ गई, निकल गया कलर बहुत गंदा हो गया। आई थिंक कोकोनट ऑयल लगा के भेजा था ना, इसीलिए मम्मी निकल गया ना, कोकोनट नारियल का तेल लगा के भेजा था दोनों को, सिर में भी और फेस पे भी, इसीलिए निकल गया, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा अब तो। तो आ जाओ आप लोग भी और इन्जॉय कर लो। ये इदड़ा इसने तड़का लगाया है और ये बड़े मैंने निचोड़ लिए सारे, दही में हल्की सी चीनी डाल के उसको बिलो लिया है। हरी चटनी मम्मी ने बनाई, इमली की चटनी, मिर्ची है, चाट मसाला है और नमक है और मैंगो का रस है जो कि प्रशा ने ला के रखा है। ये होने वाला है हमारा ग्रैंड बर्थडे और होली का लंच। और सबसे पहले अभी को बहुत तेज़ भूख लगी थी, होली खेलने के बाद भूख लगती है ना। एक्चुअली गाइज जब प्रशा, मतलब आपको सबको पता है मेरे लाइफ की स्टोरी, सो मैं आपको बताती हूँ कि एक तरह से मतलब कुछ टाइम मैं सिंगल मदर की तरह रही थी और सिंगल मदर के तरीके से मैंने प्रशा को थोड़े टाइम तक उसका सब कुछ किया था और वो टाइम मैं कभी भूल नहीं सकती, वो अक्सर मुझे वो टाइम याद आ जाया करता है। तकलीफ़ों से भरा था, स्ट्रगल से भरा था, नो डाउट विवेक ने उसे अपना के जीवन को सुधारा संवारा। वहाँ थोड़े प्रॉब्लम्स आए मुझे स्टार्टिंग में, शादी हुई तो विवेक से, मैं आपको कभी बैठ के बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स आए थे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तो मैं आपको बताऊंगी। तो उस टाइम पे थोड़ी दिक्कतें आई थी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। सो बहुत ही मैंने मतलब एक सिंगल मदर की तरह भी उसको पाला है, एक माँ बाप बन के, दोनों बन के मैंने उसको पाला हुआ है। और जब फिर वो यहाँ गई तब तो उसको साक्षात बाप मिल ही गया, और जो कि बहुत अच्छे फादर हैं विवेक, एक बहुत ही अच्छे फादर हैं विवेक, तो आपका आशीर्वाद चाहिए बस। और यही रीज़न है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रिशा बहुत मैच्योरिटी वाली बातें करती है, तो आज उसके बर्थडे व्लॉग के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, उसने बहुत छोटी उम्र से बहुत तकलीफ़ें देखी हैं और अब जाके लाइफ थोड़ी सेटल हुई है, तो इस वजह से उसमें मैच्योरिटी ज़्यादा आ गई है। इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिएगा कि अपने जीवन में सफल हो और बस सुखी रहे, बस उसे सुखी देखना चाहती हूँ मैं। जल्दी बोलो क्या,
जल्दी बोलो, भुना हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा रह गया माते। नहीं ऐसे खा के बोलो ना, कैसे लग रहा है? मैंने इसे बहुत सारा जीरा डाला छौंक में। हाउ डज सौंठ में? हाँ।